आप बताओ ना, आपकी भी आवाज जाएगी। इंक्रोच तो होगा नहीं, आपके लेकिन वो किसकी जमीन है? एक मिनट, बीएमसी की जमीन नहीं। आपकी गलत फहमी को दूर करना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि बीएमसी जरा भी कुछ हुआ तो बीएमसी को गाली मिलती है। लेकिन और एक मैं चीज करने वाला हूं, बीएमसी के ऊपर जितनी सारी मर्यादा है, मुंबई को मैंने हमेशा कहा है कि एक संस्था के हाथ में दे दो। मुंबई के ऊपर कॉरपोरेशन के ऊपर एमएमआरडी है, पीडब्ल्यूडी है, तो वहां कहां कुछ करने जाएं तो बोलेंगे कलेक्टर लैंड है, या आप नहीं जा सकते। फिर वो हमारे बगल में बीकेसी बना है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, क्या कॉरपोरेशन की चलती है वहां? कॉरपोरेशन का काम तो यही है कि आप जो कुछ करना कहें करें, आपके कपड़े हम धोएंगे, आपके बर्तन हम मांजेंगे, कि क्या यही कॉरपोरेशन का काम है? तो मैं ये सारी मर्यादा है उसके ऊपर जो बंधन है मैं निकालूंगा और कॉरपोरेशन को मैं आदि कर दूंगा, कॉरपोरेशन को आदि कर दूंगा। फिर आप बोलते हैं ना, फिर उस वक्त आप बोलिए कि इंक्रोचमेंट क्या है। नहीं, हम उस पर आते हैं जिस बात का आपने जिक्र किया। हम तो ये सोच रहे थे बार बार कि मुंबई से दिल्ली नजदीक है, बनिस्पत मुंबई से चंद्रपुर का वो और गढ़चिरौली का वो आखिरी गाँव जो कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगता है, तो महाराष्ट्र इतना बड़ा है उद्धव जी, और बड़ा है, थोड़ा कर्नाटक में बाकी है, वो भी लाना है, वो लेके आइएगा। बिल्कुल, कैसे लाएंगे? उसके लिए आंदोलन शुरू किया है, आंदोलन तो चल रहा है, दो तीन पीढ़ी आंदोलन कर रही है, यही तो दुख की बात है। वहां के जो लोग हैं वो उन्होंने चुनाव जीत कर दिखाए, कर्नाटक आंदोलन को आप लेके आएंगे? कर्नाटक के हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र का हिस्सा जो कर्नाटक है, वो कर्नाटक का, उनका मुझे कुछ एक इंच भी जमीन नहीं चाहिए। और विदर्भ में जो आंदोलन अलग विदर्भ के लिए चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? विदर्भ का विकास का आंदोलन चल रहा है, विदर्भ का आंदोलन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है, जो आम लोग जो है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आम जनता है वो विकास चाहती है, जो विकास चाहती है, और अभी विकास शुरू हुआ है। मोदी जी गए ना वहां पे, मोनो का उद्घाटन करके आए ना, वो भूमि पूजन करके आए ना, तो विकास दे दो। लोग कहते हैं हमें रोजी रोटी दे दो, वो और कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र जिसे मैं कहता हूं उसकी ये अलग है। वो वहां के जो कर्नाटक के लोग है वो महाराष्ट्रीयन है, मराठी है, और उस वक्त जो बंटवारा हो गया, भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हो गई, उसमें किसी ने गलती की, किसने एक लकीर खींची, इनकी तकदीर की लकीर ही बदल गई। और इतना ही नहीं, आज महाराष्ट्र में भी कर्नाटक से लोग रहते हैं, क्या हमने उनके ऊपर भाषा की जबरदस्ती की है? उनकी जो जबरदस्ती चल रही है और अत्याचार चल रहे हैं वो गलत है, और मामला तो अदालत में है। और इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि जब तक फैसला नहीं होता है उसको केंद्र शासित करो, और वहां केंद्रीय राखीव दल उनके रक्षा के लिए भेज दो। भाषा ही नहीं, मुंबई ने तो प्रांतवाद देखा है, हम करें तो प्रांतवाद, और करें तो प्रांतवाद नहीं, और हमने क्या प्रांतवाद किया? वो भी प्रांतवाद है, लेकिन नहीं, हमने प्रांतवाद क्या किया है? कितने लोग सारे यहाँ रहते हैं, कितने लोगों ने शिकायत की, क्या हमने प्रांतवाद किया? 60 के दशक में कहते थे कि पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, आज कहते हैं आप प्रांतवाद इसे नहीं मान रहे हैं? नहीं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक में गया हुजूर। गया है ना, तो फैसला होने दो। आप ठीक से समझो कि प्रांत के अनुसार, भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हमने की नहीं। जो भी गुजराती बोलते हैं उनको गुजरात मिल गया, हिंदी बोलते हैं उनको उनका प्रांत मिल गया, तमिल बोलते उनका प्रांत मिल गया, मराठी बोलते उनका प्रांत मिल गया। अब ये जो गुनाह है, मैं कहता हूँ अपराध है, वो अब वहाँ की सरकारों का है। अगर वो स्टेट छोड़कर, घर छोड़कर कोई दूसरी जगह जा रहा है तो वो सरकार के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है। आपको पता है कितने मराठी बाहर हैं देश महाराष्ट्र से? तो बराबर है, वो भी गलत है। 18.96% मराठी बाहर रहते हैं, लेकिन रोजगार पेट भरते हैं, बराबर गलत कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो रस्ते पे झोपड़ी बांध कर रहे थे, रस्ते पे झोपड़ी बांध कर रहे थे, हो सकता है उससे भी बुरी जाके देखो, हो सकता आपके पास रिपोर्टर है, आपके पास कैमरा है, होगा तो जाके दिखाओ कि मराठी लोग बाहर जाके झोपड़ी बांधकर रह रहे। झोपड़ी बांधकर दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं रह सकता है। सुनो, फिर आप बोलेंगे, एक बात सोच लो, आपको क्या कहना है? झोपड़ी बांधना आप उसका समर्थन करते हैं तो फिर एनक्रोचमेंट का आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ। हम इंक्रोचमेंट उसे कहते हैं जिस पर रिहाइश, 5 सितारा जीवन और पैसे की लूट होती है। वो तो मैंने नहीं की, लेकिन आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा। मेरा राज्य है कहाँ? अब तक लाया कहाँ आपने? इसलिए तो मैं आपके सामने आया हूं। आप देखो, किसी और का गुना मेरे ऊपर मत थापो।
मेरे ऊपर मत लादो, आप एक लाइन पकड़कर चलो, ये गुनाह है तो जो हो रहा है वो भी गुनाह है। कांग्रेस और बांग्लादेश यहां रहते वो चलता है आपको? नहीं, चलना और नहीं चलना नहीं है, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब कोई भी कहीं भी जाए, बांग्लादेशी आकर यहां रहे, जो अपने लोगों का अधिकार है वो छीन ले, तो उसको स्वीकार करने की ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं कर रहे हैं, ये मंजूर। आप उस सरकार के साथ खड़े हैं जिस सरकार के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश गई, एक लाइन जिक्र नहीं किया उन्होंने बांग्लादेशी। लेकिन मैं कर रहा हूं। फिर उस सरकार के साथ आप क्यों खड़े हैं? सरकार को बोलूंगा मैं, जितने सारे घुसपैठी हैं, घुसपैठ और यहां घुसपैठ करने के बाद जो कानून और सुव्यवस्था को बर्बाद कर रहे, खराब कर रहे, ऐसे लोग यहां नहीं रहने चाहिए, यह हमारी भूमिका। आप एक लाइन खींचिए ना, आप उस सरकार के साथ रहेंगे जो आपके मुद्दे से हटकर काम कर रही है। बांग्लादेशी का मुद्दा आपने उठाया, पाकिस्तानी सीज फायर से लेकर जो भी हमले होते हैं आपने उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, उठाएंगे, मतलब आप उठाते रहे हैं, उठाते रहे। लेकिन एक बात, बहुत सालों के बाद हमारी अपनी सरकार आई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है उसके पीछे। पहले दिन से मैं उसको विरोध करना शुरू करूं तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, उनकी भी कोई एक सोच हो सकती है, होगी, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। जो आप चाहते बदल सकते थे, नहीं बदल पाई। एक ही शब्द में बोलूं तो महाराष्ट्र की स्थिति आज भी, जैसे मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल में कितनी इंडस्ट्री आई है आप बता सकते हैं? क्यों काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं आप बता सकते हैं? छात्रों तक स्कूल या स्कूल तक छात्र क्यों नहीं जा सकते? और बहुत सारी बातें, फिर मेरा भाषण ही हो जाएगा पूरा जो मैं करने जाने वाला हूं मीटिंग में। लेकिन आज तक जो महाराष्ट्र ने सपने देखे, वो सपने नहीं, वो सच्चाई में मैं बदल दूंगा, सपने नहीं वो सच्चाई होगा। बड़ा मुश्किल काम है ये, इसलिए क्योंकि जिले दर जिले MIDC सिख यूनिट बनाई गई, जमीन पे कब्जा किया गया, उसमें राजनेताओं की दखल सबसे ज्यादा रही। जिन इलाकों में किसानों के पास पानी नहीं, वहां पर जानबूझ के वैसी फसल की बात होने लगी, पानी कमतर होता चला जाए, किसान खुदकुशी की दिशा में बढ़ जाए। बैंकिंग प्रणाली आपके यहाँ फेल होती चली गई, साहूकारी व्यवस्था बढ़ती चली गई। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस स्थिति में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के पास वाकई वो फोर्स है जिसके जरिए वो इम्प्लीमेंट, सिस्टम वही है, 2000 में भी वही सिस्टम था और 1995 में भी वही सिस्टम था, वही सिस्टम चला आ रहा था जिस समय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। और हमें तो याद है, हम तो महाराष्ट्र को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, किस तरीके से नारायण राणे झगड़ा करने लगे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये सारी चीजें आप झगड़े सारी चीजें सामने हैं। एक क्या बदल गया ऐसा? अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये पूरा अनुभव लेकर हम आगे जा रहे हैं, पूरा अनुभव लेकर आगे जा रहे हैं। और चलो पल भर के लिए मान लो कि नहीं दो सत्ता हमारे हाथ में, तो यही चलते रहेगा, आपको मंजूर है जो बात आपने कही? नहीं, हमें मंजूर नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, सपने सपने ना रह जाए, हम इसलिए बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन सपने सपने रह जाएंगे अगर हम हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया तो। लोग भरोसा कर रहे हैं लेकिन आपकी अपने सहयोगी आपको लंगड़ी मारने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता ऐसी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे पास तो योजना तैयार है, जो टेलीमेडिसिन की बात मैंने डेमो दिखाया है। आने वाले कुछ दिनों में मैं मेलघाट में कैंप करने वाला हूं मुंबई से, जो बात आपने कही चंद्रपुर रिमोट एरिया है, मैंने कैंप किया वहां पे। और इतना ही नहीं, वहां के स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को मैं मुंबई से ट्रेनिंग दूंगा और एग्जाम वो वही देंगे, उनको डिग्री मुंबई की मिलेगी, डिग्री पुणे की मिलेगी। एक आखिरी सवाल, क्या हम इस वक्त आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, चाहते हैं? तो इसके ऊपर मैं क्या उत्तर दूं? आपकी इच्छा। एक बात मैं बताता हूं आपको, मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं, मैंने पहले कहा, मैं मुख्यमंत्री पद मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देखता, लेकिन कभी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। सारे लोगों ने यह सोचा था कि ये इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना का क्या होगा, मैंने जिम्मेदारी ले मेरे कंधों पर, तो जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, मैं बाला साहब का बेटा हूं। तो लेकिन मैं सपना देखने वाला नहीं, कि सपने वो कुर्सी के पीछे पागल जैसे दौड़ने वालों में से नहीं हूं, लेकिन जिम्मेदारी से मैं भागूंगा नहीं। अगर जिम्मेदारी है तो महाराष्ट्र को मैं नंबर
एक करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कंधे जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, वोटर को तय करना है, चुनाव का ऐलान हो चुका है और आने वाले 30 दिनों में बहुत कुछ इस प्रदेश में होना है, सियासत भी खेले जाने वाली है। लेकिन इसी के साथ कि वाकई हम मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे थे जो आने वाले वक्त में होने जा रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर। आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो आणि खरच मैंने जो कुछ बात की वो दिल से की और इसमें आप सारे लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। ये मेरे अकेले का काम नहीं, आप सब साथ में मिलकर हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत।